हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईबीसी चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर सेव करने के बारे में। क्या आपको मालूम है पेपर किससे बनता है? पेपर बनता है सेलुलोज से, और ये सेलुलोज मिलता है पेड़ पौधों की लकड़ी से। पेपर बनाने के लिए जिन पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं पाइन या चीड़, हेमलॉक, स्प्रूस, सनोबर या फर, ओक, मैपल एक्सेट्रा। एक लंबे प्रोसेस से लकड़ी में कुछ केमिकल्स और ढेर सारे पानी का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एक पेड़ से कितना कागज़ बनता होगा? नहीं? तो हम आपको बताते हैं। 1000 किलो पेपर बनाने के लिए लगभग 12 से 17 पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट 12 टू 17 ट्रीज आर यूज टू मेक अ टन ऑफ पेपर। अब ये तो आपको मालूम ही होगा कि पेपर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पेपर का यूज़ हम करते हैं बुक्स बनाने के लिए, नोटबुक्स बनाने के लिए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डायरीज, कैलेंडर्स, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, रैपिंग पेपर, पैकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेपर के यूज़ के बिना हमें लाइफ थोड़ी मुश्किल लगेगी। अगर हम सोचें कि पेपर के बिना लाइफ बिताएं तो वो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेपर का वेस्ट करते हैं, और पेपर का वेस्ट करने का मतलब है पेड़ों को वेस्ट करना। पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी आप जानते होंगे, तो पेड़ों को बचाने के लिए हमें पेपर को भी बचाना होगा। पेपर का यूज़ हम बहुत सोच समझ कर करें तभी अच्छा होगा। अगर हम पेपर का यूज़ कम करेंगे तो हम पेड़ों को भी कटने से बचा पाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, सेव पेपर सेव ट्रीज़।